एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो ये है साल का पहला वीडियो, तो गाइज हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। तो 2024 का ये पहला व्लॉग है मेरा, और अभी मेरी मम्मी सुबह से उठा दी है मेरे को, बोली चलो मंदिर चलो, और अभी मंदिर जा रहे हैं। ए माँ लेकिन हम ही की कर जाबो बोल तो पहुँचे दाना देखो बात दी यार। हमें मम्मी सुबह से उठ गई है, मेरा भाई नहा लिया है, मेरी बहन सोई हुई है, और मैं सोची थी कि जल्दी उठ जाऊंगी, लेकिन रात को मेरे को नींद नहीं आ रहा था। आजकल पता नहीं क्या हो गया, आँख को नींद ही नहीं आता मेरा कि नींद नहीं आता हमको, माथा खराब होने से। तत्ती कुर्ता पहन के रेडी है मेरी मम्मी का, देखो सुखी कन्या उठ चुकी है, कुकड़ते हुए घर जा रही है। इसका न्यू ईयर तो न्यू ईयर कुछ नहीं है, इसको बस जिंदगी में सोना है, फिर से जा रही है। ये देखो आप देख सकते हो, भाग रही है। अब बाबू रेडी हो गया, धोती कुर्ता पहन के आज तो चंगा हो गया। तो ये देखो यूबी और भाभी भी आ गई है, वो दोनों ब्रश कर रहे हैं। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम मंदिर, मेरी मम्मी मेरे को बोल रही कि तुम ऐसे ही चलो, लेकिन चलो। देखो मेरी मम्मी गोबर वगैरह देके भी रेडी कर दी, इसमें गाड़ी था ना हम लोग का, अभी गाड़ी लेके चले गए पापा। तो गाइज आप लोग कुछ बोलोगे उससे पहले मैं बता रही हूँ, मेरा पीरियड चल रहा है इसीलिए मैं रेडी वगैरह नहीं हुई हूँ, और इसीलिए मैं मंदिर के अंदर भी नहीं जाऊंगी। मेरी मम्मी यहाँ पे पूजा वाला घास ले रही है, मम्मी झूठ वूट का मेरे को लेके जा रही है, वो हम सोचे थे नहा के जाएंगे, लेकिन मम्मी बोले चलो अभी चलो तुम, तो फिर ऐसा कुछ नहीं साथ देने बस बुला रही है मेरे को, क्योंकि हम लोग अभी अपना जहरा जा रहे हैं, जहरा जाने में तो चलना पड़ रहा है ना, ये इधर इधर से जा रहे हैं, इसीलिए मेरी मम्मी बोली चलो चलो। देखो कैसे मेरी मम्मी कर रही है मेरे को, नया साल में तुम बात नहीं सुनेगी, धोखा इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है मम्मी, इसलिए सुन लिए भाई चलो। मुंह भी नहीं धोया, उठ के सीधा कंबल हटा के सीधे दौड़ के आ रहे हैं। तो गाइस ये रहा हमारा मंदिर, ये जो जंगल टाइप का दिख रहा है ये है हमारा मंदिर, यहाँ पे शिव भगवान रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, मेरे घर से थोड़ा सा 1 किलोमीटर जैसे दूर है, तो हम लोग यहीं पे पूजा करने आते हैं ये वाला जगह पे, इसको हम लोग जहरा बोलते हैं। तो मैं बाहर बैठ के ही इंतज़ार करूंगी मेरी मम्मी का, मेरे भाई का, क्योंकि मेरा पीरियड चल रहा है मैं जा नहीं सकती हूँ, और मैं नहाई भी नहीं हूँ, तो पॉजिटिव वाइब आता है यहाँ से बहुत ज़्यादा। हम लोग ऐसे ना शाम को कभी कभार आ जाते हैं यहाँ बैठने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। जैसे डायरी वगैरह आ जाओ, डायरी वगैरह लेके आ जाओ, वहाँ पत्थर वगैरह में बैठो, बहुत मज़ा आता है। तो ये देखो गाइज यहाँ पे हो रहा है पूजा, पूजा हो गया है। तो गाइज हम लोग ऐसे रेडी होके बैठे हुए थे नहा धो के, और सोचे थे कि पिकनिक वगैरह होगा आज को, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि टाइम पे सामान आया ही नहीं, और उसके बाद अभी हम लोग खाना खाने वाले हैं। इसके बाद मैं आके कुछ व्लॉग नहीं की थी क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी थी, तो मेरी मम्मी अभी खाना दे रही है हम लोग को, तो आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं की थी, तो सीधा लंच कर रहे। लंच में था दाल चावल और कद्दू आलू का सब्जी था, तो इसको खाए हम लोग। तो फिर शाम को हम लोग बहुत सारा रील वगैरह बनाए, फिर डांस भी किए, और उसके बाद रात में हम लोग आग जला के आग ताप रहे थे सबके साथ। हैप्पी न्यू ईयर, हम लोग गांव में ऐसे बीता है। तो गाइस अभी हम लोग आग ताप रहे हैं गांव में, और हम लोग का हैप्पी न्यू ईयर इसी तरह से खत्म हो गया, बस खाओ पियो ऐस करो घर ही में रहो आग ताप। ये है नेक्स्ट डे शाम का वीडियो जिसमें मैं और मेरी बहन गुड़ पीठा तल रहे, क्योंकि मेरी बहन अपने रेंट वाले घर लेके जाएगी, मेरी मम्मी ये बना के दी थी, तो हम दोनों ये तल रहे थे। और उसके बाद मैं और मेरे पापा जा रहे स्कूटी से पापा का डॉक्टर चेकअप करवाने, और पापा का कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है जो जनरल फिजिशियन से दिखाएंगे हम लोग, तो आ गए चेकअप कराने। चेकअप कराने के बाद मुझे जाना है संगीता के साथ घर, तो पापा जाएंगे अकेले और मैं जाऊंगी रेंट वाले घर। हे गाइस सो मैं आ गई हूँ संगीता का रेंट वाला घर, क्योंकि मुझे ना कुछ वीडियो रिकॉर्ड करना था, और संगीता क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट हो गया था, इसीलिए मुझे आना पड़ा। और घर में हम लोग इतना एंजॉय किए कि मैं ना वीडियो बनाना भूली नहीं, क्योंकि मुझे ना बनाने मन नहीं किया, कि सोचे कि चलो एंजॉय करते हैं, इसलिए मैं वीडियो वगैरह कुछ रिकॉर्ड नहीं की हूँ, कहीं बाहर भी नहीं गया कि रिकॉर्ड करते हैं, घर ही में एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे मम्मी लोग के साथ। मैं एक रील भी आपको साथ शेयर की थी, बस वो रील ही मैं अपलोड की थी, और कुछ नहीं अपलोड की, ना लॉन्ग व्लॉग ना मिनी व्लॉग। अब 4 तारीख हो गया लेकिन एक भी वीडियो नहीं किया है, बट आज 4 जनवरी है, तो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, और आज ही मैं सोच रही हूँ कि एडिट करके मैं आज अपलोड करूंगी, तो देखते हैं अगर हो पाता है तो मैं करूंगी आज।
और मुझे आपके साथ आज मेरा 2024 का न्यू कैलेंडर बना के शेयर करना है और उसके साथ साथ मैं अपना न्यू जो रेजोल्यूशन बनाई हूँ वो भी शेयर करना है। तो छोटा छोटा रेजोल्यूशन बनाई हूँ तो वो भी शेयर करना है और आई ना थोड़ा सा लेट शेयर कर रही हूँ, बट कोई बात नहीं। अगर आप लोग में से कोई भी नहीं बनाए हो तो आप लोग भी बना लेना, एंड मुझे पता है कि आप लोग सब बना लिए होंगे। तो चलो चलते हैं, आज का दिन बहुत मजा आने वाला है। अभी जाएंगे सब्जी लाने क्योंकि सब्जी नहीं है, उससे पहले ब्रश करेंगे। मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ तो अभी मैं जा रही हूँ ब्रश करने, और ब्रश करने के बाद मैं आप लोग से कुछ बात शेयर करूंगी। मेरे साथ ऐसे हो रहा है, अगर आप लोग को कुछ पता है तो बताना क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्लीज 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 बताना अगर आप लोग को कुछ पता है इसके बारे में, तो मैं बताऊंगी ब्रश करने के आने के बाद। तो हम लोग रेंट वाले घर काफी दिन से आए नहीं थे तो बहुत सारा धूल वगैरह जम गया था, इसीलिए संगीता सुबह उठते साथ सबसे पहले वो रेडी हो गई क्लीनिंग करने के लिए और पूरा झाड़ू पोछा लगा के एकदम चकाचक रूम को क्लीन कर दी। और अच्छा अच्छा वाइब आ रहा है अभी। तो ये देखो ये जा रही है, वाओ न्यू वाला बैग ले ली है अपना। संगीता चली गई है, मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बना दी थी चीला और चाय क्योंकि फटाफट वही बना था, सब्जी वगैरह नहीं है। सब्जी लेके वो आएगी और अभी थोड़ा सा एडिटिंग करना है मुझे और आज मुझे वीडियो डालना है, कुछ भी करके आज ही डालना है मुझे, इसलिए जा रहा एडिट करने। हे गाइस, तो अभी मैं गई थी मेरा यूट्यूब प्ले बटन का पता करने क्योंकि मेरे ऐप में दिख रहा, मेरे फोन में दिख रहा है कि ये डिलीवर्ड हो चुका है और लेकिन मुझे मिला नहीं अभी तक। गाइस अभी हम लोग ना के आ गए हैं और खाना खा रहे हैं, मैं अभी बहुत दुखी हूँ इसलिए कुछ भी वीडियो नहीं बनाई थी। आज सोचे थे कि वीडियो बनाएंगे, अच्छा अच्छा अपलोड करेंगे, लेकिन इतना दुखी हूँ मैं, मेरा प्ले बटन नहीं आया इसलिए। तो इसीलिए मैं अभी दुख के मारे कुछ नहीं कर रही हूँ और अभी बस खाना खा रहे हैं क्योंकि खाना तो नहीं छोड़ सकता भाई कुछ भी वजह। खाना आज को दीदी बनाई है और छोटी बनाई है। तो गाइस खाना वाना खा लिए हम लोग और अभी आग जला रहे हैं। और अभी मैं यूपीएस कुरियर जो सर्विस था उसको फोन की थी मैम को और वो लोग बोले कि कल तक मिल जाएगा, तो फिर कल को फोन करेंगे और फिर आगे पता करेंगे। मेरा इतना ज्यादा टेंशन लग गया, तो टेंशन से मेरा पिंपल्स निकल गया, बाल टकला हो गया और मैं दो दो कॉलोरेशन का वीडियो अभी तक नहीं शूट की हूँ। सिल्वर प्ले बटन चाहिए, उसके बाद जाएगा वीडियो, उसके बाद जाएगा सब कुछ, लेकिन पहले मेरा प्ले बटन ही आ जाए उसके बाद देखेंगे। तुम चड्डी पहनी है बोलू मैं चड्डी की कैसे मतलब कॉमेडी बता रही होता है, बदतमीजी हो रहा है, बाहर चड्डी पहनी है और दिख रहा था ऐसे करके पहनी हुई थी ना, ऐसे करके एक बार देखा वैसे की हम उसके नीचे से हम चड्डी पहनी है। तो अभी मैं इतना टेंशन में हूँ, कल तक वेट करते हैं और उसके बाद मैं अपना वीडियो वगैरह शूट करूंगी, अभी मैं नहीं शूट करूंगी, जो होगा देखा जाएगा, मेरा अवार्ड मिल जाए वही काफी है भाई। बहुत टेंशन में फिर बहुत टेंशन में। तो जो ये आग जलाई वो एस्थेटिक नहीं लग रहा है, छोड़ी जा कोई अधिक है ना लेके आओ, हम देख लिए कहा है। तभी जब गाइस कुछ उपाय नहीं हो रहा था, इतना ज्यादा रोए ना कि क्या बताएं। और ऐसे रो रो के मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ, ऐसे नहीं होता है मेरा, ऐसा होता है इसे तो ऐसे वीडियो नहीं बनता है। मैं सोच रही थी कि ना ऐसे मतलब रो के भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन मतलब कैसे बनाते ऐसे करते कि नहीं मिल रहा है मेरा प्ले बटन, ऐसे में मतलब बहुत अलग टाइप का सुना जाता है, अच्छा रोना नहीं है, सटीक वाला रोना नहीं रहता, कोई मुत्ता आए लग रहा है, जो जो मुत्ता उसका तो धुआं जाता है, जो मुत्ता गाइज मैं अभी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट और मैं सोची थी कि 4 जनवरी को मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, बट
मैं बहुत दुखी थी उस टाइम क्योंकि मेरा प्ले बटन का कुछ ठीक ठिकाना नहीं था इसीलिए। और अभी फिर मैं 5 जनवरी को दोबारा व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह सुबह, और मैं खा रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो आज देखते हैं मेरा मूड कैसा रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आज मैं छोड़ दूंगी वीडियो, मुझे पता है कि मैं आज को ठीक रहूंगी। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो आज प्ले बटन मिलने का था लेकिन आज नहीं मिलेगा, तो फिर मैं फिर से निराश होके खाना बनाई। मेरी बहन और उसकी फ्रेंड आई थी तो खाना दी वो दोनों को, फिर हम लोग खाए खाना। तो गाइस अभी मुझे अपडेट मिला है कि मेरा प्ले बटन किसी और को डिलीवर्ड कर दिया गया है, और फिर अभी मैं जब बात की UPS कुरियर सर्विस से तब पता चला कि किसी और को डिलीवर्ड हो गया है और वो लोग मुझे कल तक ला के देंगे। इतना ज़्यादा मैं परेशान हूँ, इतना परेशान हूँ, इसलिए कुछ व्लॉग आज को भी नहीं किए। तो ऐसे डेली कुछ मैं पोस्ट भी नहीं कर रही हूँ, मेरा ऐसे रीच खराब हो रहा है ना ऐसे नहीं पोस्ट करने से, लेकिन क्या करें, खुद का इतना ज़्यादा टेंशन में हूँ मैं, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन भगवान के भरोसे मुझे मिल जा रहा है मेरा, बस इतना ही। सो गाइस मैं अभी रेडी होके जा रही हूँ पापा का डॉक्टर चेकअप करवाने, क्योंकि 5 बजे अपॉइंटमेंट है और ये की फ्रेंड आई हुई मेरी बहन का, तो हम दोनों साथ में जा रहे हैं। तो ये व्लॉग नेक्स्ट डे का है, मैं उस दिन व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी पापा का चेकअप कराने के बाद। एंड अभी मैं अपने होटल में हूँ और मैं पापा बैठे हुए हैं क्योंकि मुझे पता चला कि मेरा प्ले बटन आ गया है, तो मैं इसलिए आई हूँ। तो गाइस देखो आ गया है। तो गाइस अभी मैं घर आ गई हूँ, खाना वाना खा के मैं बैठी हूँ आप लोग से बात करने के लिए, क्योंकि मैं जिसके लिए इतना दिन से रुकी हुई थी, इतना दिन सैड थी, इतना मतलब दिमाग खराब हुआ था मेरा, कुछ काम नहीं हो रहा था, ना मैं वीडियो अपलोड कर रही थी ना कुछ कर रही थी, वो काम फाइनली मेरा हो गया है। तो वो क्या चीज है आप लोग भी देख के बहुत खुश होने वाले हो। उससे पहले मैं बताने वाली हूँ कि मुझे इसके लिए कितना मेहनत करना पड़ा। पहला बात तो मेरा जो ये चीज है वो 16 दिसंबर को ही आ गया, 2023 में ही आ गया था, लेकिन जो यहाँ का जो मेरे लोकल यहाँ का जो DTDC वाला कुरियर सर्विस है, कुरियर सेंटर है, वो अपने पास रखा हुआ था और डिलीवर्ड बता दिया था उन लोगों को, UPS वाले लोग को, तो वो लोग मुझे नहीं देके ही डिलीवर्ड कर दिए हैं। और मुझे DTDC कुरियर सर्विस का ट्रैकिंग नंबर नहीं मिला जिससे मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, और वहाँ UPS का जो कुरियर वाला दिखता है ट्रैकिंग नंबर में दिखता है उसमें दिख रहा है कि डिलीवर्ड हो गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत यूट्यूबर से बात की, वो लोग बोले कि नहीं नहीं आ जाएंगे, इतना जल्दी थोड़ी ना आता है, लेकिन मेरा बहुत जल्दी आ गया था, मेरा 20 डेज के अंदर मेरे पास मिल जाता, सोचो 20 डेज के अंदर मेरे गाँव तक आ चुका था। उसके बाद जो कुरियर वाले घर का जो मतलब डिलीवरी बॉय है वो रखा हुआ था, पता नहीं क्यों रखा हुआ था और डिलीवर्ड करके बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी मैं वेट की फिर 20 डेज खत्म हो गया। उसके बाद मैं बोले कि अब नंबर से नहीं होगा, मेरी मम्मी बोली छोड़ दो बेकार, नहीं मिल रहा नहीं मिलने दो, मैं बोली कि नहीं नहीं मुझे नहीं छोड़ना है। फिर मैं बहुत जगह पता की। उसके बाद मैं UPS का जो KYC करने के लिए फ़ोन आया था उसको मैं फ़ोन की, वो मैम को, फिर वो लोग बहुत हेल्प किए। वैसे करते करते DTDC का मुझे जो हेड जो चलाते हैं उसका जो ओनर तो है उससे बात हुआ, फिर उसके बाद उसका मैनेजर से बात हुआ, उसके बाद फिर मुझे फाइनली मेरे को बोला गया कि आपके जो लोकल एरिया का जो DTDC कुरियर सर्विस है उसी में ही आपका कुरियर तो रखा हुआ है। हम बोल रहे भाई क्यों रखा हुआ है, अगर आपको दिखा है मेरा एड्रेस दिया हुआ है, मेरा यहाँ पे सब नंबर वंबर सब है, लेकिन मुझे एक बार भी वो आदमी फोन नहीं किया, वो अपने पास रखा हुआ था। उसके बाद बोला कि मैडम मिस्टेक हो गया, ये हो गया, और अगर मैं नहीं पता करती ना कसम से वो लोग नहीं देते, क्योंकि वो लोग डिलीवर दिखा दिए थे, एकदम दिखाई दिए थे और अपने पास रख लिए थे। उसके बाद फिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, बहुत लोगों को मतलब फोन करने के बाद, मैं ऐसे बैठ के बस फोन कर रही हूँ, रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ अपने अंदर, और उसके बाद मैं बहुत खोजने के बाद मुझे नंबर मिला। फिर मैं बोली कि नहीं मुझे आज के आज ही दो, मैं अभी आके आपके ऑफिस में, रात को ही मैं बोली थी 10:30 बजे मैं बोली थी मैं आके ले रही हूँ। फिर वो लोग बोले नहीं कल आपके वहां पहुंच जाएगा। तो मेरे NH में मेरा होटल है, तो वहां पे मेरा भाई बैठा हुआ था, मैं पापा तो घर में थे, मैं भाई बैठा हुआ था, तो मेरे भाई को जाके दे दिया। और ये देखो मेरा YouTube प्ले बटन आ गया, मैं YouTube प्ले बटन का बात कर रही थी, मेरा प्ले बटन आ गया। तो ये रहा, देखो और ये अनबॉक्सिंग मेरा भाई पहले ही कर चुका है, क्योंकि मेरा भाई को मैं बोली कि इतना दिन से देखो डिलीवर हो गया था, किसी और के पास था, तो प्लीज़ एक बार चेक कर लो कि ठीक से सब कुछ है कि नहीं है। और वो लोग अनबॉक्सिंग नहीं किए थे, बस वो लोग अपने पास रखे हुए थे, पता नहीं क्या ही होता रख के वो लोग को,
तो मेरा भाई खोल लिया था और मैं भी एक बार आके खोल चुकी हूँ, फिर मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। और मैं पहले अनबॉक्सिंग नहीं की, मेरा भाई पहले अनबॉक्सिंग किया क्योंकि मेरा होटल में आके डिलीवर हुआ था, तो मेरे भाई को बोला कि अनबॉक्सिंग एक बार कर लो क्योंकि मैं मेरी बहन के पास थी, इसीलिए मैं सोची थी कि भाई कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर इसीलिए बोली कि अनबॉक्सिंग अभी करो तुम। फिर वो किया और अभी मैं करने वाली हूँ। और मैं आते साथ सबसे पहले उठा के देख ली हूँ, पापा को दिखाई, मेरे पापा बहुत खुश है, मैं मम्मी को दिखाई, मेरी मम्मी बहुत 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 ज़्यादा खुश है। तो चलो देखते हैं। तो ये है YouTube प्ले बटन, सड़े नहीं, इसलिए ना सड़ने के लिए दिया है, फ्रेश रहने के लिए। उसके बाद ये छोटा सा थैंक यू लेटर है, मतलब ये छोटा सा कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर है। और ये देखो दूसरा ये वाला मिला है जिसमें बहुत सारा प्ले बटन का दिया हुआ ये सब मिलता है बोल के। और ये वाला लेटर देखो इसमें बहुत सुंदर सुंदर लिखा हुआ है, जैसे सबके लिए सेम लिखा रहता है तो मेरे लिए भी सेम लिखा हुआ है। डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट सब्सक्राइबर? हाँ मैं जानती हूँ कौन है, तो मेरा फ्रेंड ही है। और उसके बाद लिखा हुआ है योर 100 पता नहीं कौन है, और योर 10,000 सब्सक्राइबर कौन है। तो अब देखते हैं सुंदर चीज जिसके लिए मैं इतना दिन से वेट कर रही थी, मेरा यूट्यूब प्ले बटन। और मैं इसमें मेरा यूट्यूब चैनल का नाम के साथ साथ अपना नाम भी ऐड की। तो ये देखो टाटा, ये रहा चमकता सितारा आज का। तो यहाँ पे लिखा हुआ BS सुपर टिप्स और ब्रैकेट में बबीता सिंह। इसके लिए मैं इतना रोई हूँ ना, अभी मेरा आंसू सूख चुका है, अभी बस खुशी 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 लग रहा है। और ये नहीं मिल रहा था इसलिए मैं इतना टेंशन में थी, लेकिन फाइनली मिल गया। मेरी मम्मी अभी सबको फोन कर रही है, और मेरे मामी मामा सब मामा घर का सब फोन किए थे, और वो लोग भी देखे, वो लोग भी बहुत खुश है, अब सबको बता रही है मम्मी। तो गाइस बहुत 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 ज्यादा मैं खुश हूँ। एंड सबसे पहले थैंक यू सो मच इतना मुझे सपोर्ट करने के लिए, इस लाइक बनाने के लिए कि मुझे ये मिला है, थैंक यू सो मच, लव यू।